नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MNP नॉलेज स्कूल में। साथियों, आज हम जानेंगे LIC के एक गारंटीड फिक्स डिपॉजिट प्लान के बारे में। जिस तरीके से हाल फिलहाल में बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, उस दौर में ये प्लान आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सहायक साबित होगा। अगले 15 साल तक 6.5% की गारंटी है। कैसे है, कौन सा प्लान है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, अच्छे से समझ लें। अगर आप एजेंट हैं तो, अगर आप आम व्यक्ति हैं तो, ये जानने योग्य प्लान है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। आइए वीडियो शुरू करें। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी हम अपने चैनल पर नया वीडियो लाएँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों, जो लोग पैसा बैंक में FD के तरीके से लगाते हैं, उनके लिए हाल फिलहाल के साल में कुछ चिंता हुई है, कॉज ऑफ कंसर्न हुआ है, वो ये हुआ है कि बहुत तेज़ी से पिछले 6-7 सालों में FD के रेट्स कम हुए हैं। भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और जब भी कोई डेवलपिंग इकोनॉमी होता है तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ऐसा हमको बताया गया है, हमने देखा है, समझा है। साथियों, बहुत से ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, 2% है, और कुछ जगहों पे तो 0% भी है। क्या भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, ये बताना अभी काफ़ी मुश्किल है किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस हिसाब से 2012 में स्टेट बैंक का FD का रेट 9.25% था 5 से 10 साल के बीच के पीरियड का, और आज के रेट में 6.25% है 5 से 10 साल के बीच के पीरियड का, यानी कि पिछले 6-7 सालों में 3% FD का इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक जैसे बैंक ने कम किया है, और आने वाले समय में भी FD के इंटरेस्ट रेट कम होने का इंडिकेशन फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो हाल फिलहाल के भाषण हैं उसमें बताया है। इस सिनेरियो में हम आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जिसमें कम से कम आपको अगले 15 सालों में 6.5% के हिसाब से FD का इंटरेस्ट रेट ज़रूर मिले। आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि इससे बेटर कहीं और आपको रिटर्न मिले, लेकिन साथियों, अगर पिछले 7 सालों में स्टेट बैंक जैसी बैंक ने अगर 3% अपना FD का रेट कम कर दिया, 9.25 से 6.25 कर दिया, तो क्या ये संभव नहीं है कि अगले फिर 7 साल में वो 6.25 से 3.25 पे आ जाए। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, ये एक डिबेट का टॉपिक है और ये सभी इकोनॉमिस्ट के लिए एक पॉन्डर ओवर का विषय है। आप इस पे विचार करिए, सोचिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होगा, हर जगह कम हुआ है, आगे भी कम होगा। उस दौर में इस कंसेप्ट में आपको ये चीज़ की गारंटी मिल जाएगी कि 6.5% आपको रिटर्न 15 सालों में मिलना है। कैसे मिलना है, आइए देखते हैं। 40 साल का एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 40 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे 5 लाख रुपए की एक FD की बात करेंगे, और ये माना जा रहा है कि अगर व्यक्ति की उम्र 25 या 26 साल में लग गया है और वो 40 साल का है तो उसने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए होंगे और वो FD कराना चाहता होगा। एज कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आगे हम देख लेंगे कैसे। फिलहाल इस एग्जाम्पल में हम 40 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं और 15 साल की वो FD कराता है इस शर्त पे कि उसे रिटर्न की गारंटी मिले। तो देखिए, उसको 6.5 लाख का बीमा मिल जाएगा, सम एश्योर्ड का मतलब 6.5 लाख का उसका बीमा हो गया 5,04,518 रुपये जमा करके, बाय पेइंग अ सिंगल प्रीमियम ऑफ 5,04,518 द पर्सन इज गेटिंग अ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 6.5 लाख। एक चीज क्लियर हो गया। देखिए, हो ये रहा है इस प्लान में कि आपको हर 3 साल के बाद 97,500 रुपये ब्याज के रूप में वापस मिल रहा है। 3 पे मिला, 6 पे मिला, 9 पे मिला और 12 पे मिला, यानी कि यू आर गेटिंग 97,500 रुपीज़ आफ्टर एवरी 3 ईयर्स एज अ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब 5 लाख रुपए जमा किया और 97,500 रुपए हर 3 साल पे वापस लिया, साथ ही साथ जब 15 साल पूरा हुआ तो जो पैसा आपने जमा किया था FD के रूप में, FD में क्या होता है, पूरा पैसा आपका वापस होता है, उस पर इंटरेस्ट लग के वापस होता है। यहाँ इंटरेस्ट LIC आपको पहले ही दे रही है हर 3, 6, 9 और 12 पे, और 15वें साल पे 5 लाख दिया प्लस उस पर करीब 2 लाख रुपए बोनस दिया, यानी कि 7 लाख रुपए के आसपास LIC ने आपको वापस कर दिया। टोटल जो इस FD में पैसा मिला आपको 10,90,000 रुपए।
इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। देखिए, आपने करीब 5 लाख रुपए जमा किया एक बार में और हर 3 साल के बाद आपको 97,500 वापस मिला, यानी कि करीब 3 साल में 19.5% का आपको रिटर्न मिला। अगर 3 साल में 19.5% मिला तो एक साल में अगर आप 19.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.5% का आपको रिटर्न हुआ। ठीक है, अब चूंकि बैंक की एफडी जो होती है पूरा पैसा आपको वापस करती है टर्म खत्म होने के बाद, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ही आपको इंटरेस्ट 3, 6 और 9 और 12 पे मिल जा रहा है। ठीक है, सारे बैंक ने अपने एफडी रेट घटाए जैसा आप देख रहे हैं और अगले 15 साल तक भी घटाएंगे, लेकिन इस प्लान में आप ये निश्चित रहेंगे कि आपको 15 साल तक कम से कम 6.5% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 3 साल पे आपको 19.5% आपको LIC दे रही है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये कहेंगे कि इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हर 3 साल पे जो 97,500 आपको वापस मिल रहा है इसको अब रीइन्वेस्ट कर दीजिए। 3 साल बाद वाला जो आपका 97,500 है उसको आप अगले 12 साल के लिए, 6 साल का जो 97,500 है उसको आप अगले 9 साल के लिए, 9 साल के बाद जो आपको 97,500 मिला है उसको 6 साल के लिए, और 12 साल के बाद जो आपको 97,500 मिला है तो उसको अगले 3 साल के लिए अगर आप दोबारा FD में रीइन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका रिटर्न करीब 8.5% तक पहुँच जाएगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको पूछ लीजिएगा। यानी कि ये भी एक पैरल कंसेप्ट है, या तो इस पैसे को आप यूज़ कर लीजिए मनी बैक जो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, नहीं तो आप दोबारा इसकी FD करा लीजिए कि जिससे आपका 6.5 से वो 8.5 तक पहुँच जाएगा। ठीक, देखिए हाल फिलहाल ये देखा गया है कि सारे बैंक ने अपने FD के रेट्स बहुत जल्दी जल्दी कम किए हैं, और अगर कोई व्यक्ति FD में पैसा लंबे समय के लिए लगाना चाहता है तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। अब ये जानना जरूरी है कि ये प्लान कौन सा है। ये LIC का बीमा बचत प्लान है जिसका टेबल नंबर 816 है। ये LIC का सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक्ड विथ प्रॉफिट मनी बैक टाइप प्लान है। सिंगल प्रीमियम मतलब पैसा एक बार देना है, नॉन लिंक्ड मतलब मार्केट से संबंधित ये प्लान नहीं है, गारंटीड प्लान है। विथ प्रॉफिट मतलब LIC इसमें आपको कुछ लॉयल्टी एडिशन यानी बोनस देगी, और मनी बैक का मतलब क्या है कि हर 3 साल पे पैसा आपको वापस भी करेगी इंटरेस्ट के रूप में। प्रीमियम कैसे देंगे? आप सिंगल प्रीमियम एक मुश्त पैसा देंगे, ठीक है, इसमें एक बार में FD के तरीके से पैसा आपको फिक्स कर देना है। 9 साल की आप ये प्लान ले सकते हैं, 12 का ले सकते हैं या 15 का ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको 15 का बताया गया था, आप 9 और 12 का भी टर्म ले सकते हैं। आइए ये देखते हैं कि ये प्लान कौन ले सकता है। मिनिमम एंट्री एज 15 साल, यानी 15 साल का बच्चा ये प्लान ले सकता है, स्टार्टिंग एज है। और मैक्सिमम जो एज है 9 साल के टर्म के लिए 66 साल का व्यक्ति, 12 साल के टर्म के लिए 63 साल और 15 साल के लिए 60 साल। यानी कि अगर 66 साल का व्यक्ति ले रहा है ये प्लान तो वो 9 साल के लिए ले सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी है 75 ईयर्स है। यानी कि 66 साल का व्यक्ति 15 साल का टर्म नहीं लेगा, 9 साल का ही लेगा, क्योंकि मैच्योरिटी इस पॉलिसी की 75 की एज में हो जानी चाहिए। आइए सम एश्योर्ड देखते हैं। देखिए 9 साल के टर्म के लिए 35,000 सम एश्योर्ड होगा, 12 साल के टर्म के लिए 50,000 होगा मिनिमम, और 15 साल के लिए 70,000 मिनिमम सम एश्योर्ड होगा। सम एश्योर्ड और पैसा आपके जमा करने में अंतर है, समझ लीजिए। अगर जैसे आपने वहाँ 5,04,000 रुपये एग्जाम्पल में जमा किया था, लेकिन जो सम एश्योर्ड था वो 6.5 लाख था, यानी अगर बीच में कुछ हो जाता है तो 6.5 लाख प्लस बोनस मिलेगा, आगे समझ लेंगे कैसे। लेकिन सम एश्योर्ड अगर 35,000 है फॉर एग्जांपल, तो जमा 27,000-28,000 रुपये ही होगा। अगर सम एश्योर्ड 50,000 है तो जमा 36,000-37,000 ही होगा। अगर सम एश्योर्ड 70,000 है तो जमा करीब आपका 50,000-55,000 ही होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैक्सिमम सम एश्योर्ड है, नो लिमिट, यानी कि अधिकतम अधिकतम पैसा आप लगा सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से। अगर टर्म के दौरान डेथ हो जाती है, जो मैं बात कर रहा था लास्ट स्लाइड में, तो पहले 5 साल में जितने की पॉलिसी है वो पैसा मिल जाएगा, और 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो जितने की पॉलिसी है सम एश्योर्ड है वो, और प्लस जो है लॉयल्टी एडिशन जो LIC डिक्लेयर करेगी वो ऐड करके नॉमिनी को पेमेंट हो जाएगा। मनी बैक कैसे मिल रहा है? कैसे 5,04,000 जमा करके एग्जाम्पल में 97,500 मिल रहा है? वो ऐसे मिल रहा है कि 9 साल के टर्म पे जितने का सम एश्योर्ड है उसका 15% 3 साल के बाद और 15% 6 साल के बाद, बचा हुआ पूरा जो आपने पैसा दिया था वो पूरा पैसा आपको 9 साल पे मिल जाएगा, प्लस उस पर लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। 12 साल के टर्म पे 15% 3 साल पे, 15% 6 साल पे, 15% 9 साल पे, और बाकी आपने जो जमा किया पूरा पैसा वो 12 साल के बाद लॉयल्टी एडिशन के साथ मिल जाएगा।
15 साल के टर्म पे सम एश्योर्ड का 15%, 3 साल पे सम एश्योर्ड का 15%, 6 साल पे 15%, 9 साल पे और 15%, 12 साल पे वापस मिलना है। और फिर 15 साल के बाद पूरा पैसा जो आपने शुरुआत में जमा किया था वो उस पे लॉयल्टी एडिशन ऐड करके आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल में हमने 15 साल का टर्म लिया था, 5 लाख रुपए जमा किए थे, 6.5 लाख का बीमा था, 6.5 लाख का 15% आपका 97,500 हुआ, जो एग्जाम्पल दिया गया है, जो आपको 3, 6 और 9 और 12 साल के बाद मिल रहा है। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जैसा बताया गया मैच्योरिटी बेनिफिट है, मैच्योरिटी का मतलब जब टर्म पूरा हुआ तो जो पैसा आपने दिया था सिंगल प्रीमियम वो और उस पर लॉयल्टी एडिशन, ठीक है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पॉलिसी लेने के बाद आप कभी भी इसको बंद करा सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। और जो आप प्रीमियम देंगे वो 80C के तहत आपको छूट मिलेगी, लेकिन जो आप आखिरी में पैसा पाएंगे यानी कि जो आप लास्ट में मैच्योरिटी में पैसा पाएंगे वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें भी आपको टैक्स कटेगा, लेकिन जो प्रीमियम आप देंगे एफडी के रूप में उसमें आप 80C का छूट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।